ठीक है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब अपने सेकंड सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और अभी हम लोगों ने देखा था लिंक कैसे करना है, तो अभी हम लोग जो है सेकंड ऑप्शन को देखेंगे कि आप लोग कैसे जो है इंपोर्ट करा सकते हैं। मतलब अभी हम लोगों ने लिंक के जरिए से देखा था कि कैसे इम्पोर्ट कराना है। अभी हम लोग देखेंगे कि आप लोग इम्पोर्ट जो हमारा ऑप्शन होता है उसके जरिए कैसे यहाँ पर इम्पोर्ट करा सकते हैं, और इम्पोर्ट मुझे जो है थोड़ा सा आसान लगता है। चले, अच्छा अब जो है मैं काम करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि एक टाइम के ऊपर एक ही आप लोग लगा सकते हैं। या तो लिंक टैग लगा सकते हैं, या तो जो है आप लोग इम्पोर्ट से आप लोग इम्पोर्ट करा सकते हैं यहाँ पर इम्पोर्ट टैग का यूज करके। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, व्हाट्सएप इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। और मैं यहाँ पे एक और मैं जो फेवरेट लैंग्वेज मैं यूज करता हूँ वो है पॉपिंस। पॉपिंस भी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, तो आप लोग जो है पॉपिंस को भी यूज किया करें। पॉपिंस को देख लेते हैं, पॉपिंस कैसे करते हैं, इसका क्या है, मैसेज क्या है। जी जी आ गया, ओके। पॉपिंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, और अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे जाऊं तो मेरे पास जो है ये देखें, इस तरह हमारे पास ये आ रही है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मुझे 400 रेगुलर लेनी है, अटैलिक में नहीं लेनी। ठीक है, यहाँ पे देखें अटैलिक का भी आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा है कि अटैलिक में अगर आप लोगों को इम्पोर्ट करवानी है तो अटैलिक में भी करवा सकते हैं, बट मुझे सिंपली करानी है। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सर, आऊंगा। मेरा एक सवाल जी जी पूछे। है सर। ये तो आपने वो दो बताई ना जो आप यूज करते हैं, और आपने हमें सजेस्ट किया कि ये अच्छी होती हैं, तो अगर हमें खुद ही देखना हो सजेस्ट हमें कैसे हम करेंगे कि कौन सी अच्छी है कौन सी सही है, पहले और कौन सी हमें वो मिलेगा, टाइप कैसे पता चलेगा? मैं क्या आप लोगों को ये तो बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर आप लोग आएंगे, जब गूगल फॉन्ट के ऊपर आने के बाद जब आप लोगों का मेन जो आता है वो आप लोगों के पास 1623 लैंग्वेज फॉन्ट्स यहाँ पर हैं। यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं सारे फॉन्ट्स, जो आप लोगों का फॉन्ट अच्छा लगे उस फॉन्ट को आप लोग क्लिक करें और उसको अपने उसमें इम्पोर्ट करवा लें, बस सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास 1600 फॉन्ट्स मौजूद हैं, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो सिर्फ जो आप लोगों को बताया वो मैंने सर्च किया है यहाँ पे आके, कि मैंने यहाँ पॉपिंस लिख दिया और मैंने जो दूसरा था बल्लू भाई वो मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ से सारे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अलग अलग फॉन्ट्स हैं, ये मैरी वेदर है, ये प्ले फेयर है, नीचे अगर मैं चले जाऊँ तो ये अलग अलग है सारे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो फॉन्ट आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग लिंक करके अपने VS कोड में कर लें। अच्छा, एक और तरीका जो हम लोग अभी देखने जा रहे थे वो था हमारा इम्पोर्ट का, तो मैं यहाँ पे पॉपिंस लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो सही लगता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ। और मैं यहाँ पे आने के बाद 400 वाले को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रेगुलर के अंदर, अटैलिक में नहीं करना मुझे, रेगुलर में करना है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और इधर गेट फॉन्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, गेट फॉन्ट के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे बोलेगा कि एम्बेडेड कोड जो है आप कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे थे, एक लिंक का हम लोगों ने देख लिया, लिंक का सेम वही प्रोसेस होगा, आप लोग क्या करेंगे यहाँ से कॉपी करके अपने हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। बट मैं अब यहाँ पे इम्पोर्ट के तरीके से बताता हूँ। अच्छा, इम्पोर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर ये इम्पोर्ट का जो है ये आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर आप लोग यहाँ से कॉपी कोड नहीं करेंगे। कॉपी कोड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे स्टाइल टैग भी दिया हुआ है, बट हमारे केस में हमारे पास स्टाइल टैग पहले से लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज़ कॉपी करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ जहाँ से इम्पोर्ट शुरू हो रहा है और ये जो यहाँ पे खत्म हो रहा है। अच्छा, लिंक को हम लोग हमेशा हेड टैग के अंदर लगाते थे, और इम्पोर्ट को हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, इम्पोर्ट को हम लोग स्टाइल टैग के अंदर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं और मैं यहाँ पे ऑल्ट जेड कर लेता हूँ, तो ये जो है हमारा इम्पोर्ट यहाँ पे हो रहा है URL, उसने ये गेट फॉन्ट का जो हमारा URL है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस क्लिक करूँ तो मुझे ये उस URL के अंदर ही देखेंगे यहाँ पर लेके भी चले जाएगा कि आपका जो है ये पॉपिंस है ये सारा का सारा, इसने मुझे बता दिया कि अभी ये मैं यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसने मुझे ये लिंक दे दिया। अच्छा, इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैसे करना है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे जब आप लोग गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास बाय डिफॉल्ट लिंक पे क्लिक हुआ होता है, तो अब आप लोगों को इम्पोर्ट के जरिए अपने VS कोड में इस फॉन्ट को लेकर आना है। तो क्या करेंगे, आप लोग इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जहाँ से इम्पोर्ट शुरू हो रहा है उसको यहाँ से आप लोग कॉपी कर लेंगे, कहाँ तक, स्टाइल टैग से ऊपर ऊपर तक, यहाँ से आप लोग कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर
स्टाइल टैग के अंदर आकर इसको आप लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। स्टाइल टैग के अंदर जैसे इसको पेस्ट कर देंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर ये पॉपिंस जो लैंग्वेज फॉन्ट है ये आप लोगों का इसके अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब सीएसएस के कोड को देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है बहुत सारा सीएसएस कोड आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसने सारे के सारे ऑप्शन दे दिए कि आपको थिन लगाना, सबसे जिसका वेट बहुत पतला हो, जो पतले से आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। पर पीछे जो आप लोगों को दिखा रहा था कि सबसे पहले बहुत पतला आ रहा था, उसके बाद थोड़ा 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 थोड़ा, तो मैंने मुझे यहाँ पे रेगुलर में जाना है। और ज्यादातर आप लोग जो है रेगुलर में किएगा, फॉन्ट फिट हम लोग बाद में चेंज करना, आप लोगों ने देखा कि उसको बाद में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ से फॉन्ट फैमिली पॉपिंस को कॉपी कर लूंगा, ये यहाँ से इसको सेंस सेरिफ, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आके हेडिंग के अंदर लगा लेते हैं, क्योंकि उसमें तो पहले से लगा हुआ है। मैं हेडिंग के अंदर यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको कमेंट कर देंगे हम, ताकि जो है ये कोई मसला ना करे। अच्छा, अब मुझे इसका फॉन्ट वेट चेंज करना है। मिसाल के तौर पर मुझे इसका फॉन्ट वेट जो है ये पतला चाहिए मुझे। बाय डिफॉल्ट जो इसका फॉन्ट वेट होता है वो होता है, अगर यहाँ पर आऊँ इसको अभी हटाते हैं, और मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इम्पोर्ट के लिंक से इम्पोर्ट से इसको इम्पोर्ट करवाया है, और हेडिंग के अंदर आके मैंने फॉरन फैमिली का टैग लगा के मैंने इसको जो है यहाँ पे इम्पोर्ट करा दिया। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो देखें ये इस तरह हेडिंग में हमारा चेंज हो गया। अच्छा, मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको किया। तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ और इसके साथ साथ हेडिंग में हूँ मैं, यहाँ पर अगर मैं आके इसमें जाऊँ कंप्यूटर में, तो यहाँ पे मुझे सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा, इसका फॉन्ट वेट बाय डिफॉल्ट जो है अभी इसका 700 है, ठीक है। इसका 700 बाय डिफॉल्ट है, अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी फॉन्ट वेट नहीं लगाया, तो इसका फॉन्ट वेट 700 है, क्योंकि ये हेडिंग है, तो इस वजह से भी जो है इसका फॉन्ट वेट जो है वो ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पर देखूँ कि इसका फॉन्ट वेट क्या है, फॉन्ट वेट हमने यहाँ पर लगाया है क्या, फॉन्ट वेट को हमने वो किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है अगर मैं आऊँ तो ये देखें यहाँ पर ये दिखाना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं फॉन्ट। अच्छा, यहाँ पर इसका इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पहले से लगाया हुआ है, तो मैं इसको जो है यहाँ से चेक कर सकता हूँ, अनकमेंट कर सकता हूँ पैराग्राफ को। ये देखिए अब इसका जो है क्या होगा, फॉन्ट वेट जो है इसका 500 हो जाएगा। तो ये जो है आप लोगों को जस्ट बताने के लिए था कि आप लोग यूँ चेक कर सकते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू क्या चीज़ है। अगर आप लोगों को इस तरह चेक करनी है तो आप लोग चेक कर सकते हैं कंप्यूटर में जाके कि इसकी जो है ये सारी चीजें आप लोगों को बता रहा है। अभी मार्जिन इनलाइन एंड क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी जो चीजें पढ़ी हैं, जैसे इसका फॉन्ट साइज है 32 पिक्सल बाय डिफॉल्ट होता है, तो ये जो है हमें दिखा रहा है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे फास्ट फॉरवर्ड, और हम लोगों को जो है आगे चीज, अच्छा इम्पोर्ट से करना आगे। आप लोगों को सिंपली इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इम्पोर्ट के इसको कॉपी करने के बाद स्टाइल टैग के अंदर आके पेस्ट करेंगे, और अपने जहां पे भी आप लोगों को यूज करना है उस सिलेक्टर के अंदर आके इसको आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई क्वेश्चन या आगे चलें? आगे चलें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल हम लोग जब सेलेक्ट करनी होती है तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं वापस चले जाता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ जो मैंने किया था रिमूव ऑल, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ हटा देता हूँ, और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करने के बाद मिसाल के तौर पे मुझे ये जर्सी 15 जो है मुझे पसंद आ रही है, तो मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करूंगा। गेट फॉन्ट पे आने के बाद मैं इसको एम्ब्रॉयडेड कोड कर लूंगा, और एम्ब्रॉयडेड कोड करने से पहले मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा इसमें आ जाऊंगा, यहाँ पर ए के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, जो हमारा मेन इसका जो डैशबोर्ड है उस पर आ जाऊंगा। तो इसके ऊपर आने के बाद मुझे एक और कोई लैंग्वेज यहाँ पे पसंद आ जाती है, जैसे मुझे ये नोटो सेंस जैपनीज मुझे पसंद आ जाती है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक। गेट फॉन्ट के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, गेट फॉन्ट के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो आप लोग यहाँ पर देखें, आप लोगों को अपनी सिलेक्टेड फैमिलीज यहाँ पर नजर आ रही होंगी। आप लोग जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा शो होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें दो हमारे पास सिलेक्टेड हो चुकी हैं। अगर मैं गेट एम्ब्रॉयडरी कोड के ऊपर क्लिक करूँ और इम्पोर्टेड में आऊँ, या अगर इधर भी दिखाऊं मैं आप लोगों को, तो देखें यहाँ पर हमारे पास दो इम्पोर्ट हो रही होंगी। एक ही देखें यहाँ पर ये जर्सी वाली हो रही है, जर्सी 15, और एक यहाँ पर ये देखें नोटो प्लस सेंस हमारे पास जो हो रही है, जो अभी हम लोगों ने सेलेक्ट की।
ठीक है, अगर इम्पोर्ट के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखें, दो हमारे पास, एक ये जर्सी वाली हो रही है और यहाँ पर एक नोटो वाली हो रही है। तो हम लोग जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक साथ इम्पोर्ट करवा सकते हैं। अब मैं जब भी वेबसाइट बनाता हूँ और जब भी आप लोग बनाए, तो आप लोग क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ सारी की सारी रिमूव कर देता हूँ, रिमूव ऑल। और जब मुझे भी बनानी होती है तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आके सारे फॉन्ट्स देख लेता हूँ, जो जो मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर लगाने हैं ना फॉन्ट्स, वो मैं आके यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मुझे ये रोबोटो भी लगाना है, रोबोटो पे मैं आऊंगा, यहाँ पे गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मेरे पास ये जो है मेरे इसके अंदर सिलेक्टेड के अंदर ये मेरे पास आ जाएगी, जो हमारे पास सिलेक्टेड फैमिलीज है उसके अंदर ये आ जाएगी। उसके बाद मुझे एक और कोई फॉन्ट लगाना है, मैं चाह रहा हूँ कि दो या तीन फॉन्ट्स मैं अपनी वेबसाइट में लगाऊं, तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, मुझे जो है मिसाल के तौर पर ये वाला फॉन्ट पसंद आ जाता है, मैं इस फॉन्ट के ऊपर आता हूँ। फॉन्ट के ऊपर आने के बाद मैं इसको यहाँ पर गेट गेट फॉन्ट करता हूँ, तो यहाँ पर देखें हमारे पास दो लिखा हुआ आ गया, मतलब दो हमारे पास जो है वो आ गई है। ये देखें यहाँ पे भी आप लोगों को शो कर रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये देखें शो कर रहा है कि आप लोगों के पास, आप लोगों ने कौन कौन सी सिलेक्ट की है, एक रोबोटो सिलेक्ट की है और एक जैकवर्ड आप लोगों ने सिलेक्ट की है। अगर मुझे एक और करनी है, एक और करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे आऊंगा, थोड़ा सा मैं देखता हूँ कौन सी अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी लग रही है, मैं जो है ये कर लेता हूँ, जर्सी 21 है यहाँ पर कर ली। मैं यहाँ पे आऊंगा गेट फॉन्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर ये तीन तीन मेरे पास सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा अब मुझे इन तीनों को अपने वीएस कोड के अंदर इंपोर्ट करवाना है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं एक साथ चाह रहा हूँ कि तीनों एक साथ हो जाए। ठीक है, तीनों एक साथ हो जाए, तो मैं यहाँ पे आऊंगा गेट एम्बेडेड कोड के ऊपर क्लिक करूंगा, और आप लोग अगर चाहें तो लिंक कैसे कर सकते हैं, लिंक में भी अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये एक जैकवार्ड ये रही, एक ये रहा जर्सी और एक ये रहा रोबोटो। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों की तीनों हमारे पास हो रही हैं, तो मैं इसको इम्पोर्ट से करा लूंगा, क्योंकि इम्पोर्ट एक लाइन का कोड होता है और लिंक थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाता है, तो इम्पोर्ट पे मैं आऊंगा। इम्पोर्ट पे आने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ पर आकर स्टाइल टैग के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जैकवार्ड, ये जर्सी और ये रोबोटो मेरे पास जो है तीनों लैंग्वेजेस एक साथ आ गई। अब मैं जहां जहां चाह रहा हूँ कि जो है ये यूज हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली आऊंगा और इसको जो है मैं, ये देखिए इसने खुद ही मुझे बता दिया, मैं इसको आके कमेंट कर देता हूँ और इस वाले को अनकमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये जर्सी चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे आके जर्सी को क्लिक सेट कर दिया। अच्छा, अगर आप लोग ये नहीं चाह रहे कि इस तरह नहीं करें, तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर आए और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करें, तो आप लोगों को सीएसएस का कोड मिल जाएगा। ठीक है, सीएसएस का कोड मिल जाएगा, इसके अंदर आप लोगों को सारी की सारी लैंग्वेज जो रोबोटो की होगी वो रोबोटो की मिल रही होगी, और जो आप लोगों को जर्सी की होगी वो जर्सी की आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, किसी अभी क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक, और बस अब आप लोग जहाँ पे भी जो लैंग्वेज करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप लोग आए और उसके साथ साथ आप उसको सेट कर लें यहाँ पर। जैसे अभी मैंने किया था यहाँ पर, तो मैं कर लेता हूँ, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर सेंस सेरिफ भी लगा दूंगा, ताकि अगर किसी के कंप्यूटर के अंदर ये सारी लैंग्वेजेस मौजूद नहीं है, तो क्या हो कि यहाँ पर जो है सेंस सेरिफ उसकी वर्क करे और हमारी वेबसाइट डाउन नहीं हो, परफॉर्मेंस हमारी वेबसाइट की ठीक रहे। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज यूं हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं थोड़ी सी फॉन्ट की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर आऊं और ये देखें इसका जो है, देखें फॉन्ट पूरा का पूरा चेंज हो गया, हमने जो यहाँ से सेट किया था, कौन सा हमारा ये लगा है यहाँ पर, ये हमारा लगा है ये वाला जैकवार्ड लगा है, मेरे ख्याल से जैकवार्ड हमने यहाँ पे लिखा है ना, नहीं जर्सी लगा है हमारा, जर्सी 20। देखें इस तरह का फॉन्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखें इस तरह का आप लोगों को फॉन्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलें खैर, अच्छा अभी तो फिलहाल मैं जर्सी नहीं लगा रहा, क्योंकि बहुत बुरा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर दूंगा, और इसके साथ साथ मैं इसको यहाँ पर अनकमेंट कर दूंगा, क्योंकि मुझे पॉपिंग थोड़ा सा ज्यादा सही लगता है और ये देखने में भी सही है, तो मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। अच्छा, उसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की तरफ, जो फॉन्ट की प्रॉपर्टीज हैं। मैं काम करता हूँ, मैं जो है जो हमारा कमिटेड कोड है उसको ऊपर ले जाता हूँ, बाकी नीचे रख लेता हूँ। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं, हम पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ के ऊपर हम लोग प्रॉपर्टीज लगाना स्टार्ट करते हैं, और साथ साथ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो आप लोग जो है इसको समझिएगा, लाइव गौर से समझिएगा, और जो है इसको अपने पास यूज भी कीजिएगा। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं फॉन्ट वेट का, जो हम लोगों ने अभी देखा कि फॉन्ट वेट अभी हम लोगों ने यूज किया, तो मैं दोबारा आप लोगों को नहीं बता वो नहीं बताता। फॉन्ट वेट से क्या कर सकते हैं कि आप लोग थिकनेस अपनी जो है उसकी बढ़ा सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पे 100 लिख देंगे फॉन्ट वेट के ऊपर, तो वो जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ।
सिंपली मैं इसको ऑल्ट और डाउन एरो से मैं इसको नीचे ले आता हूँ। अच्छा ये दोनों लाइन कमेंटेड थी, पहले इसको अनकमेंट करता हूँ, अनकमेंट और सिर्फ इसको मैं कमेंट करूंगा और फॉन्ट वेट को मैं नीचे ले आऊंगा। इसको कैसे नीचे लाऊंगा, ऑल्ट और डाउन एरो से मैं इसको नीचे ले आऊंगा। अच्छा अब मैंने यहाँ पे इसका फॉन्ट वेट, पैराग्राफ का फॉन्ट वेट मैंने क्या किया है, मैंने इसको 500 कर दिया। मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि स्टाइल्स में आता हूँ मैं। स्टाइल्स में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे मुझे शो हो रहा है फॉन्ट वेट, ठीक है। अब मैं यहाँ फॉन्ट वेट पे क्लिक करके मैं इसको बढ़ा के भी यहाँ से चेक कर सकता हूँ। कैसे बढ़ा के मैं इसको चेक करूंगा, मैं इसके ऊपर मैं इसको यहाँ से ये देखिए मैं डाउन इसको मैंने किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100। तो यहाँ पे मैं फॉरन फॉरन चेक कर सकता हूँ कि देखें बहुत ज्यादा जो है ये कैसा हो गया, कौन सा हो गया। तो मैं इसके ऊपर चेक कर सकता हूँ कि जो है ये कैसा शो होगा। अगर मैं यहाँ पे 200 कर दूँ तो देखें थोड़ा सा और डार्क हो गया। अगर मैं यहाँ पे 400 कर दूँ थोड़ा सा देखें और डार्क हो गया। तो इस तरह आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 700 कर दूँ तो देखें कितना ज्यादा जो है ये फॉन्ट गाढ़ा हो चुका है। तो इस तरह आप लोग यहाँ से फॉरन फॉरन चेक कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे कोई कलर देना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैंने इसको मैं कलर देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है इसको कलर दे देता हूँ। कलर क्या दूंगा इसको, मैं बैकग्राउंड कलर में देना चाह रहा हूँ यहाँ पर बैकग्राउंड, सॉरी इधर नहीं देंगे, मैं इसको इधर देना है पैराग्राफ के अंदर देना है ना। तो मैं पैराग्राफ के अंदर आके मैं इसको दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पूरा लिख लेते हैं, बैकग्राउंड के अंदर मैं इसको दे देता हूँ ये कोई बहुत सा रेड दे देते हैं इसको, ताकि जो है ये रेड कलर आ जाए। तो मैं यहाँ से जो है अपनी स्टाइलिंग करके चेक कर सकता हूँ। रेड इसको अच्छा नहीं लग रहा है, इसको एक्वा करके देख लेते हैं, एक्वा अच्छा लग रहा है तो ठीक है, एक्वा मरीन करके देख लेते हैं, एक्वा मरीन अच्छा लग रहा है। इस तरह मैं यहीं से जो है ये इंस्पेक्ट के टूल का यूज करके मैं इसके अंदर जो है स्टाइलिंग कर सकता हूँ। मैं इसको मैंने बहुत ज्यादा जूम किया हुआ है तो इस वजह से शायद आप लोगों को लग रहा हो इस तरह, लेकिन ये इस तरह हमारा ओरिजिनल पेज है, ठीक है। इसको मैं वापस जूम कर लेता हूँ ताकि सही से आप लोगों को नजर आए। तो इस तरह आप लोग इसको चेंजेस करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो सारी चीजें वापस चले जाएंगी। आप लोगों की मेन जो जहाँ से आप लोगों ने कोडिंग करनी है वो तो यही है, तो यहाँ से आप लोग टेम्परेरी चेंजेस करके देख सकते हैं। और अगर वो चेंजेस आप लोगों को सही लग रही है तो आप लोग क्या करें, उसको यहाँ से कॉपी करें और अपने वीएस कोड में आके उसको पेस्ट कर दें। तो ये जो है एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोग जो है फॉरन फॉरन अपने काम को चेक कर सकते। अच्छा इसके साथ हमारे पास एक और चीज आती है, फॉन्ट वेट को भी रहने देता हूँ। फॉन्ट वेट के साथ हमारे पास एक और चीज आती है, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल में यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के बाद लिखने के बाद हमारे पास जो है बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले तो इटैलिक को देखते हैं। अच्छा फॉन्ट स्टाइल जो है बेसिकली इटैलिक करने के लिए ही काम आता है। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक किया तो यहाँ पर देखें जो हमारा पैराग्राफ है वो हमारा इटैलिक हो चुका है। ये देखें ये इटैलिक हो गया, इस तरह हम लोग इसको इटैलिक कर सकते हैं। अच्छा इसके साथ साथ हमारे पास ये ऑब्लिक की भी आ रही थी, उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं इसको ऑब्लिक कर दूं तो यहाँ पर बेसिकली ये जो है ऑब्लिक का मतलब जो है ये होता है कि थोड़ा सा इटैलिक की तरफ ही आ जाए, लेकिन बेसिकली जो हम इसको यूज कर रहे होते हैं वो हम लोग इसको इटैलिक करने के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इटैलिक लिख देता हूँ। और इसके साथ साथ क्या ऑप्शन आ रहे थे, और इसके साथ ऑप्शन आ रहे थे कि इसको जो है हम नॉर्मल था, और कॉल का मतलब हम इसको एक्सपेरिमेंट करके साथ देख सकते हैं, कोई इनहेरेंट मतलब ये अपने चाइल्ड के साथ पेरेंट के साथ देख ले। ये सारी चीजें वो हैं जो आप लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते। और ये सारी चीजें क्या हैं, ये वेयर क्या है, वेरिएबल आगे बनाना हम सीखेंगे तो उसमें देख लेंगे। और ये सारी चीजें जो है हम जब यूज करते हैं ये इनहेरिट इनिशियल अनसेट ये बिल्कुल भी हम लोग यूज नहीं करते, सिर्फ कि उन केसेस में हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना हो। मतलब एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब है कि हम लोग किसी ऐसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग तजुर्बे करके चेक करना चाहते हैं, तो इस तरह होता है। और दूसरा इनहेरिट बेसिकली इसलिए भी यूज होता है कि इनहेरिट मैंने लगा दिया तो पैराग्राफ का जो पेरेंट है, पैराग्राफ का जो पेरेंट है, अब मैं पेरेंट इसमें कोई भी नहीं है, पेरेंट इसका ये बॉडी है, तो इस वजह से जो है वो उसकी जो भी स्टाइलिंग होगी वो इनहेरिट कर लेगा अपने अंदर। तो मैं इतना कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा आप लोगों को, बस ये समझ लें इनहेरिट और ये सारी चीजें जो है वो किस लिए यूज होती हैं, वो हमारी एक्सपेरिमेंटल बेस में यूज होती हैं, उसको हम लोग बिल्कुल भी अपनी स्टाइलिंग करते हुए यूज नहीं करते, ठीक है। अच्छा फॉन्ट स्टाइल हमारा क्यों जो यूज होता है, फॉन्ट स्टाइल हमारा अटैलिक में अटैलिक करने के लिए यूज होता है। अच्छा इसके साथ साथ हमारे पास जो है फॉन्ट साइज आता है, ठीक है। अच्छा अटैलिक अभी मुझे नहीं करना तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे जो है करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट, फॉन्ट के साथ मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज का चेंज करना चाह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे मुझे ये लार्ज लार्जर मीडियम स्मॉल दे रहा है, बट मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ
30 पिक्सल, ठीक है 30 पिक्सल मैंने जैसे इसका यहाँ पर लिखा तो इसने जो है देखें इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा वापस जैसे इसकी रिसेट करूँ तो देखें फॉन्ट इसका बड़ा हो गया। अगर मैं इसको बड़ा करना चाह रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई ये कैसे बड़ा होगा, तो मैं क्या करूंगा इसको आऊंगा यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको इसकी वैल्यू को बढ़ा के मैं इसको देख सकता हूँ। ठीक है, मैं कैसे बढ़ा के देख सकता हूँ, मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं देखिए मैं अब एरो से मैं इसको जो है इसको बढ़ाता जा रहा हूँ 43 40, मैं अगर दबा के रखूंगा तो देखिए बड़ा होता जा रहा है। देखिए इसका फॉन्ट साइज कितना ज्यादा है, इसका बड़ा हो चुका है 94 पिक्सल पर, ये इस तरह दिखेगा। अगर मैं वापस डाउन एरो दबाऊं, डाउन एरो दबा रहा हूँ तो देखिए मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, देखिए और छोटा कर दिया मैंने, और मैं इसको माइनस में भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, माइनस में चले जाएगा तो ये बाय डिफॉल्ट ही रहता है। अच्छा, इसको यहाँ से मतलब आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, बट जैसे मैंने पहले बताया मैं इसको जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस जो है अपनी 30 पिक्सल के ऊपर आ जाएगा जो हमने यहाँ पर सेट की थी। ठीक है, तो इस तरह आप लोग इसके फॉन्ट वेट को भी, सॉरी फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन है, बहुत तेजी से जा रहा हूँ मुझे पता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा चीजें कवर करनी है और जल्द से जल्द हम लोगों ने अपनी फेस को खत्म करके एडवांस टॉपिक्स की तरफ आना है, ताकि आप लोग जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे डेवलपर बन सकें। और आज मैं बहुत ज्यादा चीजें कवर कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने जो है इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब एक काम करता हूँ मैं, इसमें तो नहीं कर पाएंगे, एक और हेडिंग लगा लेता हूँ यहाँ पे, हेड टू के नाम से हेड टू लगा लेता हूँ, उसके अंदर लिख लेते हैं अबाउट फॉन्ट्स। ठीक है, क्योंकि हम फॉन्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अबाउट फॉन्ट्स मैंने यहाँ पे लगाया, तो ये देखिए यहाँ पर एक और हमारी हेडिंग आ चुकी है अबाउट फॉन्ट, और इसकी इसका फॉन्ट देखें और इसका फॉन्ट देखें क्यों चेंज है, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉपिंस का यूज किया हुआ है और यहाँ पर हमने बल्लू भाई का यूज किया हुआ है, तो इसलिए हमारी जो है ये फॉन्ट चेंज है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और लगा लेता हूँ, अच्छा जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको खत्म कर लेता हूँ, ताकि जो है हमारा थोड़ा सा जगह सही रहे। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, हेड टू को सिलेक्ट करता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं चेंजेस करना आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो है टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टीज आती है उसके अंदर होता है हमारे पास टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं आऊंगा, मैं यहाँ पे आके इसको देखें, मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गए, कैपिटलाइज कैपिटलाइज क्या होगा कि सारे के सारे वर्ड जो है हमारे कैपिटलाइज हो जाएंगे, देखिए सॉरी फर्स्ट वर्ड जितने भी हमारे वो सारे के सारे कैपिटल हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसके अबाउट को ए को स्मॉल कर दूँ और एफ को भी स्मॉल कर दूँ, तो क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा कैपिटल ही रहेगा। ये देखें यहाँ पे मैं आके इसको रिफ्रेश भी करता हूँ, तो ये देखें इसका जो फर्स्ट वर्ड है हर वर्ड का वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करने से क्या मतलब है कि हमारा जो हर वर्ड है वो हमारा कैपिटल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको मैं लोअर केस कर दूँ, लोअर केस से क्या होगा कि हमारा जो है वो सारे के सारे जितने भी फॉन्ट्स हैं, सॉरी जितने भी वर्ड्स हैं, वो सारे के सारे लोअर केस में चले जाएंगे। अच्छा, और कौन कौन से ऑप्शन होते हैं देख लेते हैं, और हमारे पास नन होता है, नन मतलब कि जैसा है बाय डिफॉल्ट वैसे ही रहने दो, अपर केस कर लेते हैं, अपर केस में सारे के सारे अपर केस में आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे वर्ड्स हमारे अपर केस में आ जाएंगे, तो इसको हम लोग इस तरह यूज करते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का जब हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं, बाकी इनहेरिट इनिशियल और ये इनसाइड का हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करते। तो मेन ये हमारे पास तीन चीजें होती हैं, नन बाय डिफॉल्ट होती है कैपिटलाइज करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, लोअर केस करने के लिए और ये अपर केस करने के लिए। अच्छा, वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मुझे कोडिंग करते हुए, वेब डेवलपमेंट करते हुए काफी टाइम हो गया, बट इसका इतना यूज नहीं आया, बट आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। अब क्यों पता होनी चाहिए, अब कभी भी ऐसा हो सकता है कि जो है आप लोगों ने बहुत बड़ा कोई एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब आप उसको चाह रहे हैं कि सारा का सारा लोअर केस में आ जाए, तो अब आप लोग एक एक वर्ड को बैठ के तो जो है उसको लोअर केस में नहीं करेंगे ना, आप लोग सिंपली क्या करेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे, उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और उसका जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके उसको लोअर केस में कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा पैराग्राफ आप लोगों का लोअर केस में आ जाएगा, स्मॉल कैप स्मॉल अल्फाबेट जिसको हम कहते हैं स्मॉल अल्फाबेट में आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास एक और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग है उसको मैं सबसे ऊपर रखना चाहूंगा, जो बहुत ज्यादा यूज भी होता है, वो होता है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या करता है, हमारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हमारे टेक्स्ट को सेंटर में ले आता है। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा आप लोगों को यूजफुल होगी आगे, और ये बहुत ज्यादा यूज होगी। टेक्स्ट अलाइन क्या करता है, टेक्स्ट अलाइन आपके एलिमेंट को सेंटर में कर देता है। ठीक है, इसके और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि अगर एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग अलग अलग देखेंगे बैठने तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो उसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। अच्छा, हमारे पास सेंटर होती है, अच्छा अजान हो रही है तो अजान हो जाए, उसके बाद हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा ठीक है, अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अभी हम लोगों ने देखा था अबाउट फॉन्ट के बारे में, अबाउट फॉन्ट को मैंने यहाँ पर सर रिकॉर्डिंग जल्दी दे दिएगा ताकि अच्छे से कवर हो जाए। देखिए रिकॉर्डिंग का ये है कि मेरी पूरी ट्राई होती है कि रिकॉर्डिंग आप लोगों को फौरन से फौरन मिल जाए, बट कभी कभी होता है कि जो है वो रिकॉर्डिंग अपलोड होने में काफी टाइम लग जाता है। उसकी वजह ये होती है कि कभी कभी जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि यूट्यूब उसको अलाउ नहीं करता कि आप जो है उसको अपलोड करो। तो इस वजह से जो है मतलब कोई ऐसी चीज़ हम खोल लेते हैं जैसे कोई थर्ड पार्टी ऐप हो गई नेटफ्लिक्स वगैरह, या नेटफ्लिक्स तो खैर हमने अभी तक नहीं खोला, तो कोई ऐसी इमेज हम लोग कर लेते हैं तो गूगल अलाउ नहीं करता, तो इस वजह से थोड़ी सी हो जो है एडिटिंग में या कोई इस तरह में टाइम लगता है, तो इस वजह से बस लेट होती है। तो आप लोग जो है थोड़ा सा वेट किया करें और रिकॉर्डिंग आ जाए करेगी, बट लेट आया करेगी। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द आ जाए कल या परसों तक, लेकिन जो है थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। मेरी तो कोशिश ये होती है कि जैसे ही क्लास खत्म हो तो रिकॉर्डिंग आ जाए, और मैं आज भी ट्राई करूंगा, अगर तो अभी फॉरन लग जाती है तो मैं आप लोगों को जो है अभी अभी रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से देख लीजिएगा। बट ये है कि अभी फिलहाल अभी हम लोग क्लास देखते हैं। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक प्रॉपर्टी लगाई थी टैक्स अलाइन सेंटर। टैक्स अलाइन सेंटर बेसिकली क्या करती है, वो आपके टैक्स को सेंटर कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पर हेडिंग कोई भी हो, किसी भी टाइप की हो, वो आप लोगों का सेंटर में आ जाएगा। अच्छा इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज आती हैं, उसको देख लेते हैं। वो क्या होती है, वो हमारे पास होती है एंड। अगर मैं एंड करूंगा तो बिल्कुल हमारा टैक्स जो है वो एंड में चले जाएगा। अच्छा अभी फिलहाल आप लोग इस दो पर्पस के लिए इसको यूज करें, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ना वो हमारी जो है जब हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे तो उसके साथ आप लोगों को ये यूज में आएंगी और उसको देखेंगे। अभी आप लोग सिर्फ इसको दो पर्पज के लिए यूज करें, एंड में लेके जाने के लिए और सेंटर में लेकर आने के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अभी आप लोगों को और चीजें बताता हूँ तो वो मे बी वर्क नहीं करेंगी, मुझे इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाना पड़ेगा, वो फिर एक न्यू टॉपिक है, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। बट टेक्स्ट अलाइन का क्या काम है, टेक्स्ट अलाइन आप लोगों को टेक्स्ट को सेंटर कर देता है। अच्छा उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है, वो क्या होती है हमारे पास, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, टेक्स्ट डेकोरेशन ठीक है हो गया, यहाँ पर आता हूँ मैं, लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास डैश आ जाएंगे। डैश मतलब क्या हुआ कि ये जो है इसको बेसिकली मैं अंडरलाइन करने के लिए यूज करते हैं। अंडरलाइन के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें अंडरलाइन, ये हमारा टेक्स्ट जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप लोग यूज कर सकते हैं इसको, आप लोग वेवी भी कर सकते हैं, मैं यहीं पे कर रहा हूँ ताकि जो है हमारा टाइम बच सके। और इसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसके अंदर हमारे पास ब्लिंक होती है। ब्लिंक जो है वो बेसिकली कुछ भी नहीं करती कि जब हम इसको मे बी रिफ्रेश करेंगे तो आएगी एक दफा, ठीक है एक दफा आएगी, और अंडरलाइन हुआ हुआ था तो वैसे चेंज हो जाएगी। ब्लिंक हमारा यूं यूज नहीं होता। हमारा जो है डैश इट के अंदर क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर इसको करूँ अच्छा, इसके सेंटर को ना मैं हटाता हूँ 2 मिनट के लिए और इसको देखते हैं, तो ये जो है आ जाएगी। अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन बेसिकली हमारा अंडरलाइन करने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारी जो चीजें हैं ना वो मैं बताता हूँ कि डैश कैसे लगाते हैं, ये सारी चीजें कैसे वर्क करती हैं। ये हमारी वर्क करती हैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल के अंदर। इसको मैं आप देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर आ रहा है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, या टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल के अंदर अगर मैं आता हूँ यहाँ पे डैश लिखता हूँ तो हमारी जो अंडरलाइन है वो हमारी डैश 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 के अंदर आ जाएगी। अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ तो आप लोग देखें कि ये जो है हमारी अंडरलाइन डैश डैश हो गई। अगर इसको मैं आके यहाँ पे चेंज करूँ, चेंज किस में करूंगा, मैं इसको डॉटेड में करूँ तो देखें डॉट 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 हमारे इस तरह आ गए हैं। इस और इसके साथ अगर मैं इसको डबल कर दूँ तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी। डबल के साथ मैं इसको हटा के अगर मैं वेवी कर दूँ तो ये वेवी हो जाएगी, इस तरह की अंडरलाइन आ जाएगी। तो इस तरह आप लोग ये सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट डेकोरेशन करने के लिए, टेक्स्ट को डेकोरेट करने के लिए आप लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट जो हमारी यूज हो रही होती है सिंपली वो हमारे एक ही लाइन होती है, और डबल हम लोग कभी कभी कर लेते हैं। सॉलिड तो बेसिकली सॉलिड बाय डिफॉल्ट होती है, तो डबल हम लोग कभी कर लेते हैं कि अगर हमें डबल अंडरलाइन लगानी, तो डबल अंडरलाइन लगाने के लिए हम लोग टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल का यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है। अच्छा उसके बाद हम लोग अगर आगे चलें तो हमारे पास जो है इसकी थिकनेस बताने के लिए होता है कि इसकी थिकनेस क्या करनी, कैसे रखनी है, मतलब जो हमने अंडरलाइन लगाई है उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास आता है टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, और अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा थिकनेस। अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है 10 पिक्सल मैंने यहाँ पर की, तो हमारा जो अंडरलाइन है देखिएगा, ये देखें कितनी ज्यादा हमारी चेंज हो गई। अच्छा मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डैश में नहीं, मुझे एक सिंपल में ही चाहिए अंडरलाइन।
तो मैंने इसको रखा, तो मेरी जो है देखें इस तरह हो गई। मैं यहाँ से इसको बढ़ा भी सकता हूँ, देखिए मैं इसको यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और अपने अप एरो से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। मैं इसको कम करना चाहूँ, बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मैं इसको कम भी कर सकता हूँ, माइनस में ले जा सकता हूँ, बस ये इससे ज्यादा जो है पतली नहीं हो सकती। तो ये जो है आप लोग यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। वैसे जो नॉर्मल हमारी होती है वो 5 to 6 पिक्सल होती है, इसको 7-8 करके अपनी मर्जी से इसको अंडरलाइन को थिकनेस इसकी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये वापस 10 पिक्सल के ऊपर आ जाएगी, और मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा थिकनेस में नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ये थे हमारे पास जो है सारे के सारे टेक्स्ट डेकोरेशन के प्रॉपर्टीज, और सारी के सारी जितने भी हमने फॉन्ट फैमिली देखी, सारी हमारे साथ ये फॉन्ट से रिलेटेड चीजें थी और टेक्स्ट डेकोरेशन से रिलेटेड थी। वैसे टेक्स्ट डेकोरेशन हमारा कल का टॉपिक होता, मे बी कल की क्लास का, बट इसको हमने आज ही कवर कर लिया, और हम कल जो है किसी न्यू टॉपिक को कवर करेंगे ताकि हम लोग जल्द से जल्द सीएसएस को खत्म कर सकें। किसी का कोई भी क्वेश्चन आज की क्लास के हवाले से? लाइन में कलर चेंज कर सकते हैं, लाइन का कलर, लाइन का कलर मीन्स लाइन का कलर कौन सा, लाइन का कलर अंडरलाइन का कलर चेंज करना है आपने? अंडरलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कलर चेंज कर सकते हैं अंडरलाइन का। अंडरलाइन का कलर चेंज करने के लिए आप लोगों के पास जो है प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, और उस कलर को आप लोग यहाँ से आके कोई भी सेट कर सकते हैं। मैंने एक्वा कर दिया तो आप जो है इसको एक्वा एक्वा ये हो जाएगा, ये देखें एक्वा आप लोगों का कलर हो गया। आप लोग यहाँ से आके इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो भी कलर आप रखना चाह रहे हैं इसका, अगर मैं रेड करना चाह रहा हूँ तो ये रेड हो जाएगा। इस तरह आप लोग इस टेक्स्ट डेकोरेशन कलर का यूज करके आप लोग कोई भी कलर का सेट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन? अच्छा, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जो हमारा हमारा लास्ट क्लास में जो मैंने टास्क दिया था लास्ट वीक, वो जिसने अभी तक नहीं बनाया है उसको वो दोबारा से एक दिन का मैं उन लोगों को टाइम दे रहा हूँ, और उन्होंने वो लाजमी बनाना है कल तक की क्लास से पहले पहले उन्होंने वो टास्क बनाकर ग्रुप में साइन करना है और बताना है कि हमने जो है ये बना लिया है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो हमारे पास जो है जिन स्टूडेंट्स ने बना लिया है उनसे कॉन्टेक्ट करें, उनसे हेल्प ले लें। रुमैसा फातिमा ने और फराना फरद ने बना लिया है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर उनसे आप हेल्प लेना नहीं चाह रहे तो आप डायरेक्ट मुझसे जो है मेरे पर्सन में आके मुझे मुझसे पूछ लें कि हमें कैसे जो है क्या टास्क है, कैसे उसको बनाना है, क्या करना है, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। बट कोशिश करें कि खुद से आप लोग ट्राई करें और खुद से आप लोग बनाएं, और जो है कल तक आप लोगों के पास टाइम है, कल तक आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है, और आज की क्लास की प्रैक्टिस भी करनी है। जिसने जो है वो टास्क बना लिया है वो आज की क्लास की प्रैक्टिस करे, और जितनी भी चीजें हम लोगों ने कवर की हैं उन सबको जो है वो उन सबकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, हमारी क्लास खत्म होने में 4 मिनट रहते हैं तो हम लोग जो है, अच्छा किसी भी क्वेश्चन है तो कर ले, क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, चलें इंशाल्लाह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें, और दुआओं में याद रखें, मुझे अपना भी ख्याल रखें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। सर बॉक्स के अंदर बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स के अंदर बॉक्स बना सकते हैं, बॉक्स के अंदर बिल्कुल बॉक्स बना सकते हैं आप लोग। बॉक्स के अंदर अगर आप बॉक्स बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। छोटे छोटे एक आप बड़ा बॉक्स बना के उसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स बना सकते हैं, एक आप मेन डेफ बनाए उसको जो है आप लोग वेट और हाइट बढ़ी दें, बॉर्डर दे दें, तो वो एक आपका बॉक्स बड़ा बन जाएगा। उसके अंदर आप लोग जो है रिकॉर्ड डिप बना लें, या आप जो है उसके अंदर मेन टैग का यूज कर लें, या आप किसी और टैग का यूज कर लें, उसको आप जो है उस तरह आप लोग बना सकते हैं उसको। फिर आप वेट और हाइट दे दें, कम वेट और हाइट दे तो उसके अंदर ही आएगा। ठीक है, चल इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।